फातिमा बेटा, अरे ये तो किचन में भी नहीं है। अरे ये क्या, खाना और फल फालतू पड़े हैं, चलो इसको कूड़े में फेंक के आता हूँ। अरे पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? फातिमा बेटा, ये फल और खाना बच गया था, मैंने सोचा फजूल पड़ा रहेगा इसलिए कूड़ेदान में डाला था। ओहो पापा, आपने तो सब कुछ मिक्स कर दिया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। अरे मेरी गुड़िया, आपने इस बचे खाने का क्या महल डालना था? पापा महल तो नहीं, लेकिन हम इस खाने से बहुत सारी नेकियां कमा सकते थे। पापा आप जानते हैं रोजाना कितने लोग भूखे पेट मरते हैं और कितने लोग भूखे पेट सोते हैं, उनकी एक मिसाल हमारे सामने फलस्तीन भी है। अरे हाँ गुड़िया, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया कि हम ये खाना किसी गरीब को दे देते। पापा हमारे दिल में अच्छा ख्याल तभी आता है जब अल्लाह ताला हमसे कोई अच्छा काम करवाना चाहता है। बेशक गुड़िया, आप बिल्कुल सही कह रही हो। पापा आज खाना खा ले। बेटा मेरा दिल नहीं कर रहा। पापा मैं आपको 4-5 दिनों के देख रही हूँ, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। बेटा तुम तो जानती हो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, खून पसीना एक कर रहा हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों नहीं कामयाबी मिल रही। पापा यही तो प्रॉब्लम है, कामयाबी तो आपके सामने है फिर भी आपको दिख नहीं रही। मैं समझा नहीं कुछ है। पापा आप जानते हैं हय्यर अल फलाह के बाद क्या आता है? हय्यर अल फलाह आता है बेटा। तो आप हय्यर अल फलाह का मतलब जानते हैं? नहीं तो बेटा। हय्यर अल फलाह का मतलब है आओ सलामती की तरफ, और हय्यर अल फलाह का मतलब है आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह पाक हमें दिन में 5 बार कामयाबी की तरफ बुलाते हैं, क्या आप उन 5 बार में से 1 बार भी कामयाबी की तरफ जाते हो? जाओ पापा, अल्लाह पाक आपको कामयाबी की तरफ बुला रहा है। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तिश्नगी से तवज्जो। हेल्प, लगता है इस बच्चे के हाथ पे हेल्प लिखी हुई है, लगता है ये बंदा इसको गवाह करके लेके जा रहा है। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अच्छा तो ये है इसका ठिकाना जालम का, अभी पुलिस को लेके आता हूँ यहाँ पे। अरे पुलिस, ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच आई है, ऐसा करता हूँ बच्चों को छुपा देता हूँ। चलो डॉक्टर साहब, यही बंदा है, इसने मेरी आंखों के सामने बच्चे को गवाह किया है। भाई कहाँ है वो बच्चे? कौन से बच्चे सर? इधर कोई बच्चे नहीं है। साहब ये बंदा झूठ बोल रहा है। सर आप चेक कर सकते हैं। चेक करो साहब। ये है वो बच्चे। अबे तू तो कह रहा था तेरे पास कोई बच्चे नहीं है, ये कहां से आए? इंस्पेक्टर साहब गलती होगी, मुझे माफ कर दें इंस्पेक्टर साहब। अबे तेरे जैसे बंदे को कौन माफ करेगा, अब तू सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। ले जा इसको सामने। भाई इसमें सबसे बड़ा किरदार आपका है, आप जैसे आम इंसान अगर पुलिस की मदद करें तो हम अपने मुल्क से जराइम खत्म कर सकते हैं।